वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? आज हम आपको जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ बर्गर्स लेके चलते हैं, तो देखते हैं आज इनका कैसा टेस्ट है इनके बर्गर्स और इनके पास क्या क्या अवेलेबल है। ये बिलाल साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है आप सब? क्योंकि जैसे कि आपको हैदर भाई ने बताया कि हम आए हैं इधर मिनिस्ट्री ऑफ बर्गर, मिनिस्ट्री ऑफ बर्गर की हम जी अभी आपको इनसाइड दिखाया भी है। तो इनकी अंदर की सेटिंग है कि सात बाहर आउटडोर का व्यू है, ये भी आप देखें जरा कैसा व्यू है इनका। साथ ही सेकंड कप थोड़ा, ये सेकंड कप है, हम लोग उस तरह सेकंड कप है। जैसे हमारा इंडिया का पाकिस्तान बॉर्डर है, बॉर्डर के उस तरह इंडिया, बॉर्डर के इस तरह पाकिस्तान, उसी तरह कुछ मुझे लग रहा है। तो ये है कि इधर बाहर अभी फिलहाल मौसम नहीं है जिस तरह मौसम, पर ये जी रोड गर्मी का बाहर मेन रोड चल रही है। अच्छा, कौन सा पिज्जा आपका? पिज्जा नहीं है, बर्गर अच्छा है। बर्गर को कह रहा है कि इनका ये सुप्रीम लीडर जो है ना वो इनका अच्छा है। सुप्रीम लीडर क्रिस्पी फ्राई ऑनियन अमेरिकन चेडर चीज, ठीक है। क्रिस्पी सॉस यार, इसके अलावा सेकंड ऑप्शन कौन सी? जोलो स्पाइसी नहीं यार, स्पाइसी। ये हमारे लॉटरी प्राइज आ गए जो पहले आ गया, मेरा पहले ही आ गया था, इसकी पहले वीडियो बना गई है, आपको दिखा दें पहले कैसा ही प्रेस सकता आया है। इधर कौन है सी सिक्स भाई दी है इसमें, इनको इतना जूसी तो नहीं है, देख सकते हैं आप इतना जूसी नहीं है, मतलब लॉटरी फ्राइज नाम के मुझे लग रहे लॉटरी फ्राइज। ऊपर पास ये डाला तो सॉस नीचे, ये सारे सूखे पड़े हैं, सारा नीचे सूखा हुआ है, खाते ना देखते हैं क्या है। या जो मसाले वाले फ्राइज होते ना, मसाले वाले फ्राइज समझे, उसके ऊपर ये डाल दिए क्रीम और ये बंद को भी डाल दिए इसके ऊपर, मसाले वाले फ्राइज के ऊपर, बस और कुछ नहीं है। और पहले पीछे आपको फ्राइज वे हो या खाए हो, उसका जो मसाला पड़ जाना उसका वाला टेस्ट है। और इसके ऊपर हमें सॉस डाल दी है और बंद को भी डाल दिए ऊपर फेंक दिए, और साथ छोटे छोटे चिकन चिकन के और नहीं खिसते हैं, तो ये शायद एक दो एलो पीनो है। हमारा बर्गर आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ बर्गर, ये है साथ ये फ्राइज है, मोटी मोटी गुबलू गुबलू की फ्राइज है। ये हद साहब मुँह में लपेटने लगे हैं, तौबा बेहतर है, अच्छा है, गुंडो मजा आ गया। ऊपर से है भी ये बीफ में, बीफ में चेक करने कैसा अंदर जूसी जूसी। आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ बर्गर के बिल्कुल नीचे ही जहाँ से आप एंट्रेंस होते हैं, ये साथ वहाँ से है सॉलिस पिज़्ज़ा एंड बेकवे, इसका पिज़्ज़ा मंगाया हमने लोहड़ी स्पेशल, लोहड़ी स्पेशल। ये इनका हमने पूछा था कि आपको कौन सा पिज़्ज़ा अच्छा है, इन्होंने हमें ये बताया कि लोहड़ी स्पेशल। साहब उसके साथ ही लड़ रहे हैं, हैदर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये भी ट्राई करके बताएं ज़रा, हैदर साहब ज़रा ये भी आप हमें ट्राई करके बताएं ज़रा कि कैसा पिज़्ज़ा, आपकी मेहरबानी। लेकिन वेखा जी तो आम सादा जहा पिज्जा लग रहा है, ये देख ब्रॉडवे का भी इस तरह के था नरम सा,
सिंपल चीज है, कोई समझ नहीं आ रहा। फजूल फजूल भाई, ये भी फजूल। मैं देख के आइडिया उठा था कि अभी फजूल ही इन्होंने हरकत की है। आप खुद देखेंगे क्या है ये, देखिए साइड से रोटी रोटी, ये तंदूर की 20 रुपए की रोटी है, देखिए नीचे से लिटरली वही लग रही है। तो बस ये वो बात है कि बस नाम के पीछे कमा रहे हैं ये लोग, और खाने खुने के हिसाब से मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। बहुत गंदा पिज्जा, इससे बेहतर है कि आप किसी महल्ले मुल्ले से खा लेना आप, इसके बाद कूड़ा छूड़ा बड़ा होता है महल्लों में, उससे खा लेना, उसका शायद टेस्ट इससे बेहतर हो। तो देखिए हम खा किस तरह रहे हैं इसको, हम रोटी की तरह खा रहे हैं क्योंकि उसने ये है भी रोटी, बिल्कुल रोटी है वो, 20 रुपए तंदूरी रोटी, 20 रुपए की रोटी, 10 रुपए का चिकन। ये देखें जरा, कुछ भी नहीं लगा इसके ऊपर, मजबूरी भूख लगी है इसलिए खाई जा रहे हैं, और रिजक है वरना ये कहते फजूल तरीन है।